नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 12.3 का आज हम 9वां प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्न है, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको प्रश्न पढ़वा देता हूँ। आकृति 12.27 जो कि ये आकृति है, में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है। देखो ये केंद्र है इस सर्कल का, इस वृत्त का, ये ओ केंद्र है। ए बी और सी डी ये लंब व्यास है, यानी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं और इस सर्कल के व्यास हैं, यानी सेंटर में से पास हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है, ये एक छोटा वृत्त भी इसमें बना हुआ है, ओ डी जो है उसका व्यास है। ठीक है, यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर है, ओ ए जो है, ये जो ओ ए दी हुई है ये हमें 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर हमें दी हुई है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी ये छायांकित भाग है देखिए जो हमने कलर किया है, और ये छायांकित भाग है और ये छायांकित भाग है, तो इनका हमने क्षेत्रफल बच्चों ज्ञात करना है। तो आइए हम इस प्रश्न का हल जो है वो शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले इसको भूल जाइए, यहाँ पर ये देखिए ये आधा सर्कल है, अर्धवृत्त है ये, है ना, क्योंकि ये व्यास है तो इसके ऊपर ये जो बना है ये अर्धवृत्त है। ठीक है बच्चों, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बच्चों, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधे वृत्त का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा दो। तो इसे हम हल करेंगे, 22/7 होता है पाई की वैल्यू गुना आर। अब ये बड़े वृत्त या ये आधा वृत्त, इसकी जो त्रिज्या है ये है 7 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 7 × 7 पाई आर स्क्वायर बटा दो। दो से 22 कट जाएगा 11, 7 से 1 7 कट जाएगा, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा 11 × 7, 11 7 होता है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बच्चों ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया है। ठीक है बच्चों, अब हम यदि अर्धवृत्त में से ये वाला त्रिभुज का एरिया माइनस कर दें, त्रिभुज ए बी सी, अब देखो ध्यान से बच्चों, ये मैंने आधा वृत्त, अभी हमने इस आधे वृत्त का, आधे सर्कल का क्षेत्रफल निकाला, इसमें से यदि ये वाला त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी ये त्रिभुज माइनस कर दे तो बाकी बच जाएगा ये शेडेड पोर्शन, है ना, बाकी ये छायांकित भाग बच जाएगा। तो हम इसे लिखते हैं अर्धवृत्त आधावृत्त का छायांकित भाग। तो ये कैसे निकलेगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो बच्चों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमने अभी निकाला है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 × बेस × हाइट। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बच्चों दो तरीके होते हैं, एक होता है हीरोन फार्मूला, हीरोन सूत्र, दूसरा यदि किसी त्रिभुज में एक कोण सम कोण हो 90 डिग्री का हो तो उसमें हम फार्मूला यूज करते हैं 1/2 × बेस × हाइट। अब आप सोचोगे कि इस त्रिभुज में तो 90 डिग्री का कोण कोई भी नहीं है, लेकिन बच्चों आप ध्यान से देखो ये आधा वृत्त है और हमने किया था एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, यानी कि एक अर्धवृत्त में ये जो कोण है ये 90 डिग्री का हो जाता है, यानी कि यदि आपने एक ऐसे वृत्त है ये उसका व्यास है तो यहाँ पर कोई भी कोण ऐसे बनता है तो ये 90 डिग्री का होता है, ये हमने किया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो उस हिसाब से ये अर्धवृत्त है, ये व्यास है, व्यास से ये इस प्रकार से ये जो कोण बनेगा कोण सी ये 90 डिग्री का होगा। इससे हमें पता चला कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए इसमें फार्मूला यूज़ हो सकता है 1/2 × बेस × हाइट, 1/2 × बेस × हाइट। तो आइए इसे यूज़ करते हैं, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1/2 × बेस। इस त्रिभुज के लिए बेस ले लो बी सी को, हम इसी के साथ ये भी जानते हैं कि इसमें बेस है ए बी,
ए बी और ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो हम ए बी के ऊपर ये 90 डिग्री कोण यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बेस लेते हैं हम ए बी को इनटू, इस पर हाइट है ये ओ सी। ठीक है, ये मैंने इसीलिए लिखा था कि आपको याद रहे कि हमने कौन सी ए बी और ओ सी कौन किसको बेस लिया और किसको हाइट लिया। तो ए बी कितना है, देखिए ओ ए है 7 सेंटीमीटर, तो ओ बी एक ही वृत्त की ये त्रिज्या 7 है, तो ये त्रिज्या भी 7 होगी, तो 7 और 7 14, इसका मतलब ए बी कितना आ गया, 14। हाफ गुना 14 गुना ओ सी, ओ सी कितना है, इसी वृत्त की त्रिज्या ओ सी भी है, तो ये होगी 7। ठीक है बच्चों, तो ये 2 से 14 कट जाएगा 7, तो हमारे पास बच गया यहाँ से है 77 माइनस 7 गुना 7 49। इसका अर्थ है 77 में से 49 जब हमने माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया 17 में से 9 गए 8 और 6 में से 4 गए 2, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका अर्थ यह है कि ये जो इधर शेडेड पोर्शन है ये आया है 28 सेंटीमीटर। इसे हमने याद रखना है, ये हम बाद में यूज़ करेंगे बच्चों। अभी हमने इस तरफ का, इस व्यास के इस तरफ जो ये शेडेड पोर्शन है ये तो निकाल दिया, अब हम निकालेंगे ये शेडेड पोर्शन। अब इस शेडेड पोर्शन के लिए देखे ये क्या है, एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। इसका जो व्यास है वो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, हमें दिया वो ओडी जो है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या है, तो इसका व्यास हो गया 7 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 7/2। तो हम यहाँ लिखते हैं व्यास, या हम यहीं पे लिखते हैं छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर, तो पाई है 22/7, आर कितना है बच्चों, दोबारा बता रहा हूँ, देखो ओ से डी तक ये बड़े वृत्त की, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है 7, तो ये छोटे वाले वृत्त का व्यास होगा, डायमीटर होगा 7, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 7/2 यानी 7/2, तो आर होगी 7, आर स्क्वायर यानी 7/2 × 7/2। इसे हम हल करेंगे, देखिए 2 से 22 कट जाएगा 11, 1 7 से 1 7 कट जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 11, नीचे ये कट गया 2 बचा, यहाँ है 11 × 7, 77/2, साथ में इसके आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये छोटे वृत्त का क्षेत्रफल 77/2 सेंटीमीटर, इधर ये जो शेडेड पोर्शन है वो हमारे पास आया था 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें टोटल छायांकित भाग निकालना है, ठीक है, तो इसके लिए मैं लिखता हूँ कुल छायांकित भाग, ये हो गया यहाँ से 28 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ से 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हम हल करेंगे बच्चों, 28 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1, 2 और 1 का लघुत्तम आ गया 2, 2 को 1 से भाग किया 2, 2 को ऊपर 28 से गुना कर दिया 56, प्लस 2 को 2 से भाग किया 1, 1 को ऊपर 77 से गुना कर दिया 77, तो ये आ गया, इनको प्लस करो 6 और 7 13, हासिल आया 1, 7 और 5 12 और 1 13 / 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यदि हम 133 को 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 1 13, 6 दूनी 12, 1 0 10, 5 10, सॉरी ये 6 आएगा, 6 दूनी 12 6। ठीक है, तो बच्चों ये छायांकित भाग हमने निकाला यहाँ पर, देखिए 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला जो छायांकित भाग है ये वाला, ये हमने निकाला था 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास कुल छायांकित भाग आ गया है 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस प्रश्न का उत्तर है। तो बच्चों देखिए मैं आपको सारा प्रश्न दिखा रहा हूँ, हमारे पास ये आकृति थी, इसमें हमने इस शेडेड भाग का और इस शेडेड भाग का क्षेत्रफल निकालना था। हमने इसमें यहाँ देखा ये एक अर्धवृत्त है, ये वाला एक अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाला 77,
उसमें से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दिया तो हमारे पास ये शेडेड पोर्शन आ गया और वो हमारे पास आया है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमने इधर एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाला जो कि छायांकित था, तो 28 और 70/2 दोनों को प्लस करके हमारे पास 66.5 सेंटीमीटर इसका उत्तर आ गया है। तो बच्चों देखो कितने सारे कलर्स का यूज़ करके हम कोशिश करते हैं रंग बिरंगी आकृतियाँ बनाकर आपको समझाने की। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को भी समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप वहाँ पर अन्य प्रश्नों को भी देख सकते हैं, और यदि वीडियो अच्छे से समझ आया हो तो लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।